الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين اكرم الاولين والاخرين قائد المحجلين نبي الحرمين امام القبلتين وسيلتنا في الدارين وسيلتنا في الدارين وسيلتنا في الدارين المدين بكل زين المنزه من كل عيب وشين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين نبي الانبياء عظيم الرجاء عظيم الجود والعطاء ماهي الذنوب والخطا كنت ادم بين الطين والماء سر الله المخزون در الله المقرون نور الافئده والعيون سرور القلب المحزون سرور القلب المحزون سرور القلب المحزون نبينا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب جاننا وطبيب ايماننا ووكيلنا وكفيلنا ووليكنا وهادينا ومرشدنا ومأوانا وملجانا ومولانا وأولانا 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 ونورنا ونور بصيرتنا ونور بصارتنا ونور قلوبنا ونور صدورنا ونور أولنا ونور آخرنا ظاهرنا ونور باطننا ونور جاننا ونور إيماننا ونور إيماننا ونور إيماننا ونور الله ربنا ونور ربنا محمد رحمة للعالمين صحاب المقربين وأولياء أمته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما احترام دوستان محبت کائنات دی حمد و ثنا اس مالک رب العلا واسطے جس نے سانو اشرف المخلوقات پیدا فرمایا اور کائنات و درود و سلام اس محبوب رب العلا واسطے جدے واسطے زمین آسمان مکان لا مکان چرند پرند حیوانات نباتات سورج دی روشنی چند دی ٹھنڈک ہوا دی روانی کواکب آسمانی پپیہا دی پی پی کل کائنات تخلیق کیتی گئی اور ہدیہ نیاز ہدیہ عقیدت ہدیہ سلام اس بارگاہ محبوب غلام کریم آقا خلیفہ بلا فصل سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ اچ احباب جی وقار پچھلے جمعے عرض کیتا سی کہ اس مہینے دی نسبت افضل البشر بعد الانبیاء غلام جان سار عاشق حبیب پروردگار یار غار غلام جان سار اس شہنشاہ صداقت دنالے کہ جنا اپنا تن من دھن جان مال اولاد ہر شے یار دنام تم پر مان کر دوستانِ محبت صحابیت او مقام کہ جڑا نماز روزہ حج زکاة خیرات عبادات ریاضات تقوی قاضی
क़याम, हर इबादत तो अफजल है क्योंकि एक सहाबी बारगाह मुस्तफ़ी हाजिर हों आके कलमा पढ़ के ईमान दी हालत इस दुनिया तो फानी नू खैर, बेशक वो सुबह 10 बजे आठ जोहर दी नमाज भी ना पढ़ सकन, कोई नमाज ना पढ़ी होवे, कोई हज ना कीता होवे, जकात ना दीती होवे, खैरात ना कीती होवे, इबादत ना कीतियां हो, रियाज़ ना कीतियां हो, सिर्फ एक ईमान दी हालत मुस्तफा दे चेहरे दी सिर्फ ज़ियारत कर ली इंशाल्लाह बफ़ज़ले ताला जन्नती रूह होंगे। तो बंदा इबादत कर लवे, रियाज़ात कर लवे, कादा क़याम करे, सारी जिंदगी ओदी इबादत इच गुजारता रवे, तहज्जुद पढ़ता रवे, लेकिन अगर मुस्तफा दे चेहरे की ज़ियारत नहीं की तो सहाबियत दे रुतबे ते कदी भी फायज हो सकता नहीं। साबित होया कि ओ करीम आका दे गुलामे जान सार जेड़े सन ओ सन के आज तो बाद क़यामत तक मेरे करीम आका दी जिंदगी तो बाद वैसे इंसान आ सकदे नहीं। तो उन्हें मकाम दे लिहाज नाल, मर्तबे दे लिहाज नाल एक वाहिद शख्सियत मेरी शहनशाह सदाकत सैयदना सदीके अकबर दी है कि जिन्हां दे नां नाल की आंदा है कि अफजलुल बशर बाद लंबिया। लेकिन दोस्तान ने मोहब्बत मैं कुर्बान जावा करीम आका दे याराने मोहब्बत हो कि उन्हां अपने महबूब दी उम्मत नूं अपने करीम आका वालिया दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी आने ली जेड़ी उम्मत सी उन्होंने करीम आका दी जात दे नाल मुहब्बत प्यार करन दा ढंग ते तरीका ते सलीका सिखा दिता। अज जड़ा दौरे हाजा जा रहे ना हर फिरका जड़ा कहंदा असी हक दी राह ते, हर फिरका की कहंदा असी हक दी राह ते, असी उन्होंने छेड़दे नहीं हाँ, अल्लाह उन्होंने हक नसीब करे, क्योंकि साढ़े शेख करीम हजूर यूसुफ अल मशाइख कबीर उल औलिया आप फरमाया करते सर पुत्र किसी छेड़ो ना अपना छोड़ो ना, असी किसी नु छेड़न दे हक नहीं, लेकिन असी रोज खड़े होने ना नमाज पढ़ने ते नमाज च असी की कहने रब्बे कायनात सानू सीधा रस्ता दिखा, सानू सीधा रस्ता दिखा, ते रस्ता किरा दा दिखा जिन्हां ते तेरा इनाम है। ते कुरान मजीद फुरकाने हमीद दे बारे कोलो पुछिए कि कुरान रब्बे कायनात की इरशाद फरमांदा है असी नमाज च कहने के सानू ओ सीधा रस्ता बखा, ते रस्ता बखा उन्हां दा जिन्हां ते उहदा इनाम है। ते जरा कुरान दस ना कि उन्हां ते इनाम किरा दा है, केड़े इनाम याफ्ता ने जवाब मिलेगा मिलन नबी जी ना बस सिद्दीकीन व शुहदा व सालेहीन, पहले नबी आला ते फिर सिद्दीका आला, ते सिद्दीका दा इमाम अंबिया तो बाद कौन इमाम है सैयदना सिद्दीक अकबर। ते जेड़ा कुरान है ना नसे कथी है कुरान च साबित है मिनन नबी जी ना नबिया दा रस्ता सीधा वे एक दा फैसला वे अल्लाह दा ते कुरान दा किदा वे अल्लाह दा ते कुरान दा, कुरान दा फैसला कदी गलत हो सकदा वे, अक्सर कहंदे ने ना कुरान तो साबित करो, ते कुरान दा फैसला बिन नबी जी ना पहला नबियां दा रस्ता सीधा, दूसरा सिद्दीकां दा रस्ता सीधा, ते जे सैयदना सिद्दीक अकबर दे रस्ते ते तू ना चले ते उन्हां दे नाल मुहब्बत ना करे ते उन्हां दे रस्ते ते ना चले ते कुरान दी गल मन्नेगा नहीं। ते कुरान की कहंदा है मैं युति रसूला फकद अताला, ते कुरान दा हुक्म है मिन नबी जीना व सिद्दीकीना, ते जे सैयदना सिद्दीक अकबर दे नाल दिल च बगज रखे ते तू कहे मैं हक दे राह ते, पर हक दा राह ते ना आया फिर ते तू कुरान दी नस दा इनकार कर रहे है। ते जेड़ा कुरान दा नस दा इनकार करे ओदा कामल यकीन हो सकदा वे नहीं। अल्लाह अल्लाह, लेकिन मैं कुर्बान जावां उस शहनशाह सदाकत श्री
इनामात एवें नहीं मिले। असहाबा इकराम दी जिंदगियां जड़ियां ने ना उन्होंने पढ़िया करो, कुतब पढ़िया करो। जरूरी नहीं है कि किसी कोई भी हो साहबा पाक की मुहब्बत होना जिंदगी पढ़िया करो, ईमान की मजबूती का बायस बनेगी। मैं कुर्बान जावा मेरे करी मां का वालिया दो जहां अबरे जुदो करम चरा गए हरम नबी दिल मनदा नहीं आपस जिस वे कुफार बैठे ना इकट्ठे होके आखन लगे जे जाके अबू बकर सिद्दीक दे नाल गल कर लगी ना जे सीधो इनकार कर दे। बड़ा समझदार है, बड़ा फहमो फिरासत का मालिक है। उदो के कुफार भी जेड़े सन उन्होंने भी यकीन सी अबू बकर सिद्दीक फहमो फिरासत का मालिक है। उदे कोल जाके पुछिए किसी होर कोल क्यों नहीं गए। मेरे करीम आका सैयदना सिद्दीक अकबर नु ऐवे जी रब्बा इंसाफ फरमाया के बाद अल अबिया अफजल बशर ऐवे नहीं लकब मिलिया किसी होर कोल क्यों नहीं गए। आख्या दरवाजा खटखटाया जिस वे दरवाजा खटकया मेरे करीम आका बाहर तशरीफ लाए ना सैयदना सिद्दीक अकबर सारे कुफार मक्के दे अबू जहल अबू लहब एंड कंपनी इकट्ठे ने सिद्दीक तेरे बूए थे एक सवाल लेके आए सानू पता है तू बड़ा फहमो फिरासत का मालिक है बड़ा शाऊर है। आख्या की आख्या जे कोई कवे के रात दे बड़े कलील हिस्से दे विच मस्जिद अक्सा मस्जिद अक्सा मस्जिद हराम ते पहला आसमान दूसरा आसमान तीसरा ते मैं मिराज करके आया ते मैं कुर्बान जावा मेरे शहनशाह सदाकत तू कहन लगे तुसी मनदे हो। आख्या नहीं फिर पुछण लगे जिस वेले साडे मकसद की गल बन जावे तो फिर असी दोहराने क्यों भाई बशीर नजीर देख रहा गल तो इस तरह है कि फलाना है तो इंज हो तो नहीं ना सकता। जिस वेले दूसरी दफा भी पूछा कि जे कोई कवे कि एक रात में बड़े करीब ही सही मेरे में राज हो मैं रबे कायनात के नाल शर्फे मुलाकात हासिल करके तो तू मनने मैं कुर्बान जावा मेरे करीम आका शेख करीम सैयद अल सिद्दीक अकबर इरशाद फरमाते ने नहीं। जिस वेले तीसरी दफा सवाल दोहराया तो मेरे शहर की इश्क की रंग फड़क गई स्टोर पे जिस वे टुरे ना तो दिल्ली च ख्याल आया कि यार असी तो एक सवाल लैके आए सदे हल वास्ते आए सीते तो सू होर उलझन ही छुपा दिता बिचो एक जरा सियाना सी कह लगा सुनिया नहीं जो सदीक ने गल की कीती है। आख्या की आख्या उन्हें जवाब दिता जे कोई कवे तो मैं मनदा नहीं जे मेरा माही कवे तो शक रहा नहीं मैं तो इस तो भी अगे मंजिल बदली वापस पलटे
आके फिर दरवाजा खड़खड़ाया, सिद्दीक जरा बाहर आओ ना। मैं करवाल जावा, आप दा नाम की है अब्दुल्ला, अलकाब होर ने लेकिन आप दा नाम है अब्दुल्ला। ते आप तो बाद मेरे करीम आका मुस्तफा दे किन्ने यार ने, कितने यार ने, कितने कितने, असी उन्होंने की कहने हक चार यार, की कहने मजा नहीं आया, सुनी बैठे हो अजे भी मजा नहीं आया, नारा सदाकत फड़ाक के मजे नाल जोश नाल कितने यार ने, चार। पहले अब्दुल्ला, सिद्दीक लखब है, अतीक लखब है, पहला नाम है अब्दुल्ला, दूसरा नाम है उमर, दूसरा नाम है उमर, ते गनी उस्मान पाक, उमर पाक दा लखब किए फारूक आजम, असल नाम किए उमर, तीसरा की नाम है उस्मान, ते गनी की है लकब, ते तीसरा शेरे खुदा, शेरे के कवर है यार शेरे, ते नाम की है अली, पहला अब्दुल्ला, दूसरा उमर, तीसरा उस्मान, चौथा अली, ते एक ही बंदा है हक चार यार, एक ही बंदा है। दोस्तों ने मोहब्बत लम्हा फिक्रिया भी के पहला अब्दुल्ला, दूसरा उमर, तीसरा उस्मान, चौथा अली, चारा यारा दे नाम एन तो शुरू होंदे ने, चारा यारा दे नाम एन तो शुरू होंदे ने, बल्कि कायनात ए तेरा कायनात दा निजाम जेड़े प्री प्रोजेक्ट दे प्री प्लान हाथ साथी तौर ते नहीं, ए अपने महबूब दे चारा यारा दा नाम एन तो क्यों शुरू कीता है। कायनात का निजाम हादसाती तौर पर नहीं है, प्री प्लान प्री प्रोजेक्टेड है, हादसाती कोई अमल भी नहीं है, ते वैसे भी मुस्तफा दे यार होने का हादसाती हो सकता ही नहीं, ए मालिक नु ये जमा मंजूर सी। असी करीम आका दे गुलाम हो गुलाम, जेड़े अबू बकर दे भी गुलाम, जेड़े उमर दे भी गुलाम, जेड़े सरकारे उस्मान दे भी गुलाम, ते जेड़े अली अल मुर्तजा दे भी जोड़ियां दे गलियां दे कुत्तियां दी धूल भी साड़ी अखां दी ठंडक है, तां ही असी कहने हक चार, मजा नहीं आंदा, हक चार, हक चार, हक चार यार, जेड़े हक ने वो चार ने मेरे महबूब दे यार ने, ऐ मालिक कायनात, एक अब्दुल्ला, दूसरे उमर, उस्मानो अली, एक चारा दे नाम तो पहले एन क्यों लगाई दे, कोई होर लफज भी तो आ सकता सी, ए हादसाती नहीं है, प्री प्लान प्री प्रोजेक्टेड है, ते जवाब की मिलेगा, आख्या एन तो गैन भी नहीं की, मालिक कायनात ए राज की है दसा, आख्या मैं मालिक कायनात दा इन्नी आलम वाला था ना मुना, मैं आना ले क्यामत तक मामला तो हालात जानना वा, इस तो के कल आना ले कोई मेरे महबूब दे यारा दे नुक्ता चीनी करे मेनू बर्दाश्त नहीं, और मैं ते अपने महबूब दे यारा दे नाम तो पहले नुक्ते वाला लफ्ज भी नहीं बता करदा, नुक्ता चीनी दे करे।
मालिक कायनात होके महबूब दे यारा दे नामा तो पहला नुक्ते वाला लफ्ज भी बर्दाश्त ना करे ते तू नुक्ता चीनिया करे ते तेरू कितना बर्दाश्त करेगा, तेरा भी पढ़ना ईमान तो खाली हो जाएगा। बाहर के वापस आविए मेरे करीम आका सैयदना सदाकत शहंशाह सिद्दीक अकबर की दहलीज के लवाज से कुफार वापस आए। अबू बकर तेरी बारगाह च एक सवाल लेके आए सा, तेरी बारगाह च एक सवाल लेके आए सा, असि सवाल का जवाब लेना ऐसा सानू होर उलझन च पा दिता। आख्या की सवाल लेके आए सो? आख्या असि तो सवाल लेके आए जो रात दे कलील हिस्से को कवे कि मैनू मेराज हुई मेरे शहनशाह सदाकत फरमाते ने मैं आख्या सी मैं मनदा नहीं ते जे मेरा माही कवे ते शक रहंदा नहीं। आखे इथे तक ते गल ठीक है जड़ी अगली कीती जे के मेरा थोड़ा इस तो अगली गल करे ते मैं ओ भी मनन वास्ते तैयार हां। ला वका तो ते अगे है ही कुछ नहीं ते अगे की मनन वास्ते तैयार हो? आके जे ते मेरे माही ने कह ले के मैं ओदे कोल गया जे थोड़ा कवे ओ मेरे कोल आया ते सिद्दीक के भी मनन वास्ते सारे मोहब्बत सैयदना सदीक अकबर दी और जाते ग्रामी है कि जिना मेरे करीम आखा वाली दो जहां दे नाल मोहब्बत करके गुलामी करके आला ने चार तक गुलामों नु सबक दिता के हक तो यूं था के हक अदा ना हुआ। अपनी मोहब्बत अपने गुलामी अपने प्यार अपनी अकीदत अपनी मोहब्बत अपने प्यार का इजहार करके अपने महबूब के उम्मतियां नु सबक दिता जे मेरे सोहने माई नाल मोहब्बत करनी जे ते एवें करया जे यकीन रखना जे यकीन ते मुहब्बत करना ते रखना तो आड़ा काम में ते रोजे माशर पुल सराब तो लगाना मेरा काम। मेरे करीम आका वालिये दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पता जना आप दा सारे दा हक अदा कर दिता सिद्दीक दा उधार बाकी है ते वो उधार अदा कित्थों होना है? रोजे माशर हो रोजे माशर होगा। बार के इस पास जावांगा गल लंबी हो जाएगी वक्त नज़दीक है। मैं साढ़े एक बड़े ही पीरखाने दे नाल मुखलिस प्यार मुहब्बत इनकिसार दे पैकर आजी साहब आजी अनीफ साहब उन्होंने विसाल हो गया जुमे तो फौरन बाद उन्होंने नमाज़े जनाजा मैं थोड़ी जी दे रास्ते नमाज पढ़ा के उन्होंने जनाजे वास्ते जावांगा इंशाल्लाह फिर वापस आ जावांगा। बार के वापस आ भी पिछले जो मैं थोड़े खिदमत मैं अर्ज किया कि थानू अर्ज करांगा कि बारगाहे मुस्तफवी दे विच जिस वेले सारे सहाबा मौजूद सन ते नमाज किसने पढ़ाई किन्ने पढ़ाई? अबू बकर सिद्दीक ने। बाकी भी मौजूद सन के नहीं सन मौजूद ते फिर खलीफा रसूल ते सैयदना सिद्दीक अकबर होए आप तो बाद खलीफा रसूल कौन? रब्बे कायनात तेरा निजाम कायनात है ना। रब ने एक फरिश्ता रब ने बनाया एक खलीफा रब ने बनाया क्या सी ना बनाने लगा जे मैं खलीफा दे आख्या ना बनाया जे कत्ल गारत करनगे ते मैं कुर्बान जावा एक खलीफा रब दा एक खलीफा रब दा दूसरा खलीफा रसूल दा एवें नहीं आख्या के अफजलुल बशर बादल एवें नहीं है रुतबा मकाम में लिया कि मेरे सैयदना सदीक अकबर आपने जिस वेले इरशाद होया अली मौजूद सन के नहीं मौजूद सन मौजूद सन के नहीं मौजूद सन उस्मान मौजूद सन के अजल्ला सहाबा की मौजूदगी दे विच मेरे करीम आका इरशाद फरमाते ने हुजराए मुस्तफी दे विच आवाज आती है मस्जिद नबी शरीफ विच भई साथियों नमाज का वक्त हो गया नमाज पढ़ लीजिए या रसूल अल्लाह नहीं थोड़ी इंतजार है। कुछ देर गुजरी फिर भाई साथियों नमाज पढ़ लीजिए करीमा तुसी करीम उल अजपाल हो थोड़े तो बगैर तो नमाज किमें पढ़ लगी है थोड़ी इंतजार है। फिर तीसरी दफा आवाज दी नमाज पढ़ लीजिए नहीं अबू बकर जी जरा आगे होवो ना मुसल्ला ए रसूल ते खड़े हो जाओ मुसल्ला ए रसूल ते खड़े हो जाओ। अबू बकर कितने ने मस्जिद कितने ने मस्जिद बाकी साहबा कितने ने मस्जिद रसूलुल्लाह दे कोल कौन ने सरकारे
अली अल मुर्तजा ते दूसरे सरकार अली अल मुर्तजा मेरे करीम आका दी बारगाह ते सैयदना सदीक अकबर किथे ने मुसल्ला रसूल ते जिस वेले मेरे करीम आका सैयदना सदीक अकबर नु इरशाद होया मेरे करीम आका वाली दो ने इरशाद फरमाया कि सदीक मुसल्ला रसूल ते खड़ा हो जा मौलाए कायनात ने इतना अर्ज की किसे रवायत तो साबित होता हो कि करीम आका लजपाल हो करीम हो उथे ते इरशाद फरमाया से ना मन कुन तो मौला फाजा अली मौला उथे ते इरशाद फरमाया सी ते इत्थे खड़ा मुसल्ला इमामत ते सिद्दीक अकबर नु कर रहे हो जिस वेले मुसल्ला रसूल ते खड़े हो गए जिदा मैं मौला ओदा उथे ते फरमाया सा जी ते इह खड़ा सिद्दीक नु कर रहे हो साबित होया कि उहदे विच रजा सरकारी अली मुर्तजा दी भी शामिल जिस वेले मेरे करीम आका ने इरशाद फरमाया ते सैयदना सदीक अकबर मुसल्ले ते खड़े हुए नमाज शुरू हो गई मेरे करीम आका इरशाद फरमाते ने अली जरा मैनू भी लै चलो ना मस्जिद एक पासे आप दा दस्ते शफकत सरकारी अली मुर्तजा ते दूसरे पासे सरकारी अब्बास ने जिसने मेरे करीम आका मस्जिद नबी दाखिल हुए ना अपने हुजरे दी खिड़की तो निकल के मैं कुर्बान जावा सरकारे सैयदना सदीक अकबर नू खुशबू ए रसूल आई जिसने मेरे करीम आका मस्जिद तशरीफ ले आए तो एक पास सरकार ने दूसरे पास सरकार अली अल मुर्तजा ने तो किसे इनकार किया नहीं किया तो कोई इनकार करता तो साहबा नु पता थी नहीं सी रब्बे कायनात दा इरशाद है मई अता अल्लाह साहबा ते यकीन ते ईमान सी कि जिसने रसूलुल्लाह दे हुक्म दी तामील ना कीती वो ईमान तो हार गई ते अज जिहड़ा मकाम जिहड़ा मनसब जिहड़ा रुतबा जिस तरतीब दे नाल इरशाद फरमाया है सहाबा पाक नूं ते अहले बैत नूं बादल अंबिया अफजलुल बशर किदी जात है सैयद सदीक अकबर दी मैं पिछले जुमे भी अर्ज किया सी कि मकाम ते मनसब दे लिहाज नाल वाहिद जात सैयदना सदीक अकबर दी है कि जिन्होंने गैर नबी दे हथ ते बैत नहीं कीती मेरे करीम आका सैयदना सदीक अकबर दे हथ ते बैत सरकारे उमरे पाक ने भी की उस्मान गनी ने भी की अली अल मुर्तजा ने भी की अली अल मुर्तजा सरकार ने तीन बैठा कीतियाँ सरकारे उस्मान पाक ने दो कीतियाँ सरकारे उमरे फारूक ने एक की रसूलुल्लाह ने किसने दी रसूलुल्लाह ने तो जेड़ा ना मने वह मई थी रसूला फकत अताला के दायरे के बिच आता या दायरे तो बहर आ जाता है तो जरा सारी जिंदगी नमाज पढ़ते हो ना कि सानू राह ओ बिखा जेड़ा तेरे तेरे सिद्धे जेड़ा सिद्धा राह होवे ते केड़ा जिन्हां ते तेरा इनाम है ते इनाम याफ्ता केड़े ने कुरान कोलो पुछो ते मिन नबी जीना बस सिद्दीकीना सिद्दीक दा ते सिद्दीक जेड़े ने सिद्दीक सिद्दक तो वे ते जे उदे ते ईमान ना करें ते तेरा ईमान कामिल होएगा या कमजोर कमजोर होएगा ते मैं ते रसूला फकद ताला दे दायरे दे विच आएगा या बाहर निकल जाएगा ते बस ये वेख लो अज हर बंदा कहंदा कि असी नहीं कहंदे कोई गलत कहंदा ठीक कहंदा हर किसी का अपना यकीन ईमान है अल्लाह उन्हें नसीब करे लेकिन बस ये वेख कि जेडे कुरान के फैसले तो बहर हो जाए वो सही ने या गलत ने फैसला थोड़ा अपना वक्त पूरा हो गया इंशाल्लाह अगले जुमे फिर अर्ज करांगा इतों ही कि मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वेले मस्जिद नबी दे विच तशरीफ ले आए तो सैयदना सदीक अकबर मुसल्ला इमामत ते मौजूद सन इंशाल्लाह इतों ही गल अगे शुरू करांगे आमीन वमा